एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, यहां पर एसी लगाई है, ये एक आर है, एल सी ऐसे करके दे रखा है, ये इंडक्टर पर एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, कैपेसिटर पर एक वोल्ट मीटर लगा रखा है, इनके वोल्टेज मेजर करने के लिए। वो ये कह रहा है कि यदि द सोर्स फ्रीक्वेंसी एफ इज वेरीड, हम इसमें फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे लेकिन करंट को कांस्टेंट रखेंगे, बट द करंट इज केप्ट अनचेंज्ड। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी बदलेंगे लेकिन करंट को फिक्स रखेंगे एनी हाउ। तो इनमें से कौन सा ग्राफ वीसी और वीएल का ग्राफ है विद फ्रीक्वेंसी? तो सिंपल सवाल है ये, शायद सवाल समझ में नहीं आया होगा इसलिए डाउट पूछा है। देखिए, हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। यदि मुझे वीएल निकालना है तो आई इंटू एक्सएल लगाऊंगा, है ना, आई इंटू एक्सएल। तो आई इंटू एक्सएल, जिसमें आई कॉन्स्टेंट है तो आई को कॉन्स्टेंट में डाल देता हूं एक्सएल। तो वीएल डायरेक्टली एक्सएल की जगह क्या लिख दू, टू पाई एफ एल। इस बार फ्रीक्वेंसी को न्यूना बोल के एफ बोल दिया, जिसमें टू पाई एल कॉन्स्टेंट है, तो यानी वी एल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब वी एल का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब वीसी का ग्राफ क्या होता है? वीसी करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू एक्सी, वीसी आई इंटू एक्सी। ठीक है, आई कॉन्स्टेंट है क्योंकि सवाल बोला है कि हम आई नहीं चेंज करेंगे, तो एक्सी की जगह लिख दो वन अपॉन टू पाई न्यू सी, न्यू की जगह एफ लिख दो इस सवाल में सी। तो आई टू पाई सी कॉन्स्टेंट है, तो वीसी यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो जब हम वीसी का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ खींचेंगे तो वो ऐसा आएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ कॉम्बिनेशन? देखो, वीसी का ग्राफ ऐसे, वीएल का ऐसे, यानी यही ऑप्शन ठीक है। इसमें उल्टा कर दिया है, इसमें ये उल्टा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें ये ऑप्शन आएगा।